दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट फैक। और आज हम आपको बताने वाले हैं, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ नेपाल के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे तो नेपाल एक छोटे सी कंट्री है जो चाइना और इंडिया के बीच में है। और अभी नेपाल और इंडिया का झगड़ा चल रहा है, वो तो आपको पता ही होगा, काला पानी की वजह से। और नेपाल में 14 जोन्स एंड 77 डिस्ट्रिक्ट है। छोटी सी कंट्री में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे तो नहीं बोलेंगे पर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोग गूगल मैप पर जाके नेपाल का देखना। नेपाल एशिया कंटिनेंट में है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे नेपाल 93rd लार्जेस्ट एरिया के अंदर आता है। और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही पड़ता है। नेपाल 49th लार्जेस्ट पोजीशन में आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। 49 लार्जेस्ट पोजीशन में पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब उसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और नेपाल इंडिया के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा जो किस्म के लोग होते हैं ना, अलग अलग कास्ट के लोग, तो नेपाल इंडिया के बाद नेपाल में ही सबसे ज़्यादा कास्ट वाले लोग होते हैं। और नेपाल का फुल नेम है फिल्टर डेमोक्रेसी क्लिप रिपब्लिक ऑफ नेपाल। और उसमें कितने सारे कास्ट थे और कितने परसेंट थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। 16.6%, 12.2%, मगर 7.1%, थारू 6.6%, और इतने ही सारे हैं बट मैं सारे के नाम नहीं ले सकता। और रीजन में हिंदुज़म 81.3%, बुद्धिस्ट 9%, इस्लाम 4.4%, किरान 3.1%, और भी बहुत सारे। और नेपाल के अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर खड़का प्रसाद ओली, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। इसका टोटल एरिया है 1,14,516 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 56,956 स्क्वायर मील। इसका वाटर है 2.8, और ये दुनिया भर में सेकंड नंबर पे आता है वाटर के रिचेस्ट वाटर वाले देश में, रिचेस्ट वाटर वाले कंट्री में। और जो गौतम बुद्ध है वो भगवान, वो नेपाल में ही जन्मे थे लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में अभी भी एग्जिस्ट करता है, साउथ नेपाल में, साउथर्न नेपाल में। और नेपाल का कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है काठमांडू वैली, मतलब एक वैली है। और 1990s के समय में नेपाल में एक सिविल वॉर हुआ था जिसमें कि सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग थे। और जो एक किंग था पृथ्वी नारायण शाह नाम करके, उस राजा ने सबको मिलाकर सब किंगडम को हराकर नेपाल को एक किया। द मिलिट्री ऑफ नेपाल का जो मिलिट्री है वो एशिया में फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर में आता है, मतलब कि साउथ एशिया में फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री है नेपाल का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर से मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।